आंखों से आंसुओं की धारा रुकती नहीं है, रोते रोते गला बैठ जाता है। कभी उन वीर बलिदानियों के परिवार से मिलिए, एक अजब सी शून्यता होती है उनकी आंखों में, मानो इंतजार में पथरासी गई हो वो आंखें। कभी कोई छंद भर याद भर भी दिला दे उन्हीं पथराई आंखों से, गंगा जमुना बह निकलती है। वीरगति को प्राप्त हुए जवान बेटे के पार्थिव शरीर को देखकर माँ का कलेजा फट सा जाता है। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के लिए इस वक्त की काफ़ी दुखद खबर सामने आ रही है, जहां 21 तारीख को माँ भारती की रक्षा करते हुए देवभूमि उत्तराखंड के दो लाल जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हो गए। इन्हीं जवानों में देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के नायक बीरेंद्र सिंह भी शामिल है। नायक बीरेंद्र सिंह 15वीं गढ़वाल राइफल में तैनात थे। इन दिनों उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर के राजौरी में थी, जहाँ आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वह देश के लिए शहीद हो गए। आज 4 दिनों के बाद वीर बलिदानी का पार्थिव शरीर राजधानी देहरादून के जोलीग्राउंड एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां से वीर जवान का पार्थिव शरीर हेलीकॉप्टर से गोचर पहुंचा। वहां से सेना के विशेष वाहन से उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। जैसे ही वीर बलिदानी का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो गगनभेदी नारों के बीच अमर रहे वीर बलिदानी अमर रहे के नारों से पूरा इलाका गूंजमयन हो गया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ वीर बलिदानी का हिंदू रीति रिवाज के बीच उनके पैतृक गांव में दाह संस्कार कर दिया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीरेंद्र सिंह की तैनाती इन दिनों जम्मू कश्मीर में थी। उनके घर में उनके माता पिता और दो बेटियां हैं। उनका भाई भी ITBP में तैनात है। उनके भाई ने उनको मुखाग्नि दी। सेना ने मातमी धुन बजाकर वीर जवान को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। इस मौके पर कई गणमान्य नेताओं ने पुष्प चक्र अर्पित किए। तो दोस्तों, वीर बलिदानियों का ये बलिदान ये देश कभी नहीं भूल सकता। देश हमेशा उनके इस बलिदान का ऋणी रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे।